चलो आज क्लासिक रिबन का स्विच मतलब एक्स्ट्रा डालने वाला है हम लोग। हेडलाइट का स्विच, ये हम लोग का हेडलाइट का स्विच आज कैसे फिट करता है वो दिखाने वाला है। क्लासिक रिबन का BS6 और BS4 में हम लोग स्विच एक्स्ट्रा डाल सकता है, ताकि ये ऑटोमेटिक है, इसलिए हम लोग स्विच एक्स्ट्रा डाल रहे हैं ऑफ ऑन करने के लिए लाइट को। बैटरी लॉक भी सेफ होगा इसमें, तो हम लोग ये एक्स्ट्रा स्विच डाल रहे हैं। तो अच्छा से देखो कैसे डालता है और कहाँ से वायर निकलता है, कौन सा से निकालना चाहिए, और तार को ऐसे मॉडिफाई करने से पहले मतलब अच्छा से करो, ताकि मत काटो वायर लॉक को, छेड़खानी मत करो, ताकि उसका कपलर से भी निकल सकता है हम लोग। तो देखो हम लोग कैसे निकालेगा, ये LS स्विच मॉडल से हम लोग वायर निकल रहे हैं। ये हम लोग का LS स्विच का जो कपलर रहता है, अभी देखो ठीक है, इसमें काला और व्हाइट रहता है, लेकिन काला में कुछ भी नहीं, फिर भी निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा दिक्कत रहता है कम करने के लिए। तो व्हाइट कपलर में रहता है, इसमें होगा वायरिंग, काला काला में नहीं रहेगा, इसमें व्हाइट यहाँ पर है। इसको अच्छा से पिन से निकालना है, ताकि नहीं काटना है इसको, ताकि स्विच मॉडल को ख़राब नहीं करना है। तो ऐसे पिन से एक ले करके निकालो, ये मेल है, ये मेल से एक निकालेगा और फीमेल से एक, ये निकाल दिया, येलो और रेड होगा मेल में वायर, इसको निकालना है, ये लाइट का है, इसको थोड़ा बड़ा कर देगा उसका पिन। इसमें वायर अच्छा से ज्वाइन करना है, ये एक्स्ट्रा स्विच का है, तो इसमें हम लोग तार अच्छा से बांधेगा, बस हो गई है मेल का, और फीमेल से भी एक निकालना है, उसमें भी एक तार बांधना है एक्स्ट्रा, बस हो गई है। ये फीमेल का है, वाइट और येलो फीमेल से निकाल दिया, और ये मेल का है, वायर को पहचानना है, मेल में रहता है रेड और येलो, और फीमेल में वाइट और येलो, इसे करके पहचानना है वायर को, और दोनों साइड को अच्छे से ऐसे तार निकाल करके भरना है अच्छे से। उसके बाद अच्छे से टेप मारना है इसको, ताकि शॉर्ट सर्किट नहीं होने के लिए, अगर बॉडी में लग गया तो फ्यूज लॉक चला जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइट से ध्यान से करो, बस एक एक साइड से निकाल दिया हम लोग। जितना अच्छे से टेप मारेगा उतना अच्छा है, नहीं तो लाइट अप एंड डाउन लूज होने से कनेक्शन खराब होते रहेगा, इसको अच्छे से देना पड़ेगा। ये हो गया, अभी हम लोग इसको फिट कर दे रहे हैं, बस एक एक साइड से ले लिया हम लोग लाइट, और इसको अच्छा से बंद करके हेडलाइट को बंद कर देना है। हेडलाइट लगाने के बाद वायर दोनों अंदर से ले जाएगा हम लोग, यहाँ से साइड से मिल जाएगा, निकालने के लिए जगह रहेगा, तो वहाँ से खींच करके बस बाहर निकलना है। स्विच मॉडल का सामने में हम लोग स्विच फिटिंग करने वाला है। बस इसको अच्छे से कवर कर देगा, इसको अच्छे से बंद करना है, ताकि हेडलाइट नहीं लगने के लिए, अगर बाहर होने से, तो देखो ऐसे करके अच्छा से फिट करके रखना है, उसके बाद हेडलाइट लगा देगा। बस हेडलाइट फिटिंग हो गया, फिर स्विच में डालना है दो वायर,
थोड़ा टाइम तो लगता है, बारिश भी हो रहा है, मौसम थोड़ा खराब है यहाँ का मौसम। चलो ख़त्म होने वाला है, बस हम लोग यहाँ में एक स्विस का वो क्लेम डाल रहा है। क्लेम हम लोग ऐसे मतलब क्लेम तो बहुत मतलब अलग अलग तरीका से बना सकते हैं हम लोग क्लेम, लंबा खट्टा, लेकिन हम लोग ब्रेक पेड का जो क्लेम होता है उससे बनाए। बस ऐसे करके हम लोग डाल देगा यहाँ पर। ये हम लोग का मिरर का जो क्लेम है उसमें डाल रहे हैं। चलो अच्छे से टाइट करना है ऐसे करके बस, और वायर को जेन करना है स्विच में। इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं रहेगा, कहीं में भी जॉइन कर सकते हैं आप लोग, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं होता है। हो गया, और एक वायर बाकी है, इसको जॉइन करेगा। तो आप लोग इस पर भी टाइट करने के बाद अच्छा से टेप डाल दो, बहुत ईजी है लाइट डालने के लिए स्विच। लेकिन आप लोग स्विच में मत काटो, स्विच मॉडल में जो वायर होता है उसका कुछ भी मत काटो, और इसमें भी अच्छा से टेप लगाना है। बस सिंपल सा है, इतना दिक्कत नहीं है, इसको अच्छा से टेप लगाना है ताकि बारिश में दोनों मतलब जॉइन नहीं होना है। देखो सिंपल से कर दिया, इतना ख़राब वायरिंग नहीं निकला, इसको सिंपल करके यहाँ पर बांध देगा ताकि वायर ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिखने के लिए। चलो कंप्लीट हो गया, अभी आप लोग को लाइट खोल करके दिखा रहा है और फोन करके। तो चलो मेरा वीडियो भी कंप्लीट हो गया, अभी ऑफ ऑन भी ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग को डालना है अच्छे से। तो चलते अगला वीडियो में मिलते, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग को भी स्विच डालना है, अगर मालूम नहीं होगा कंफ्यूज होगा तो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।